नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फर्जी वीडियो पोस्ट किए जाने के मामले पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार इसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, पुरानी आदतें कभी नहीं जाती है। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। प्रवक्ता ने कहा कि फर्जी खबर ट्वीट करो और पकड़े जाओ तो डिलीट कर दो, फिर से वही काम करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार की देर रात बांग्लादेश के 7 साल पुराने वाले हिंसा वाले वीडियो को ट्वीट किया। उसमें लिखा गया कि यूपी में मुसलमानों के खिलाफ भारतीय पुलिस द्वारा अत्याचार करने का यह वीडियो है। लेकिन जब उनके इस फर्जी वाले वीडियो की पोल खुली तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ के हमले की घटना से लोगों का ध्यान हटाने के लिए शुक्रवार को कई वीडियो पोस्ट किए। भारत में मुसलमान पर पुलिस द्वारा अत्याचार हो रहा है, यह भी झूठा दावा किया। बांग्लादेश के करीब 7 साल पुराने वीडियो को ट्वीट कर इमरान खान ने दावा किया कि भारतीय पुलिस मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब इमरान खान की किरकिरी होने लगी तो उन्होंने यह वीडियो को डिलीट कर दिया। वही यूपी पुलिस ने भी ट्वीट कर साफ किया कि यह वीडियो यूपी का नहीं है। यूपी पुलिस ने ट्वीट किया कि यह वीडियो यूपी से नहीं है बल्कि मई 2013 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका की घटना का है। वीडियो में इमरान खान जिन्हें यूपी के जवान के तौर पर बता रहे थे उनकी वर्दी पर साफ साफ RAB लिखा हुआ देखा जा सकता है। RAB का मतलब रैपिड एक्शन बटालियन। यह बांग्लादेश पुलिस की आतंकी निरोधी का इकाई है। इमरान ने जिस वीडियो को ट्वीट किया वही वीडियो यूट्यूब पर 10 सितंबर 2013 को अपलोड किया गया था। वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि हिफाजत इस्लाम रैली पर बांग्लादेश पुलिस ने बर्बरता की है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में शुक्रवार को भीड़ ने सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया, सिखों के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत ने गुरुद्वारे पर पथराव की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश में हो रहे अत्याचार को नहीं देखते बल्कि भारत में हो रहे अत्याचारों को देखते हैं और उसे उजागर करने में लगे रहते हैं। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की किरकिरी खुद हो जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी किरकिरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।